हर इंसान की ज़िंदगी की कोई ना कोई डेस्टिनेशन ज़रूर होती है, लेकिन हम जो बाइकर्स होते हैं हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। जब जहाँ दिल करता है हम लोग निकल पड़ते हैं। और मेरी पर्सनली ये कोशिश होती है कि मैं सफ़र सिर्फ करूँ नहीं, आप लोगों को अपने साथ घुमाऊँ, बल्कि पूरा महसूस करवाऊँ अपना सफ़र आप लोगों को, ताकि आप लोग भी उस सफ़र को उतना ही इंजॉय करें जितना इंजॉय हम लोग करते हैं। तो आज सुबह मैं निकल पड़ा था दोस्तों को लेकर मियांवाली की तरफ। सफ़र का आगाज़ एज़ यूजुअल मैं अपने लीडर को पिक करने के लिए गया, और अली भाई और मैं बहुत टाइम के पाबंद हैं, हम जो भी टाइम देते हैं उसे तकरीबन हम पहुंच जाते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? बहुत चाहिए आप सुना है। सुबह हो गई, वापस मेरी तो कब की सुबह होगी भाई? अभी टाइम हुआ नहीं रहा जो हमने दिया था लोगों को, तो अपने दोस्तों को, तो हमने सनराइज़ की जो फीलिंग है उसको इंजॉय किया और अपनी रूटीन लाइफ को डिस्कस किया या फिर कुछ पल, और निकल पड़े अपने बाकी दोस्तों को लेने के लिए ताकि उनके साथ हम आगे का सफ़र जारी रखें। ये हमारे कमान भाई बहुत ही बड़े जांबाज, मतलब इनको कराची लाहौर जिस जगह का कहेंगे ये निकल पड़ेंगे बग़ैर सोचे, मतलब बहुत जांबाज इंसान है हमारे ग्रुप के, मतलब मोटिवेशनल है। सर सर जान जान कैसे हैं? ठीक हो? हम भी लाभ सुनाए। ये हमारे ग्रुप के डिसेंट बॉय हैं पहले, मतलब यो किस्म के बॉय नहीं थे, डिसेंट बॉय में ना डिसेंट बड़ी वो वाली फीलिंग आती है। ये अब हम यहाँ पहुँच गए कुंदिया, यहाँ हमारे दो बॉयज़ हो रहे हैं, एक अभी एयरफोर्स में माशाल्लाह उनकी छुट्टी हुई थी तो हमें ज्वाइन किया है आज, और ये दूसरा बॉय जो है ना हमारा, ये भी मेरी तरह वीडियोस का शौकीन है, हर मोमेंट को हमारा मूड होता है कि हम ऐसे सेव करें कि पूरी ज़िंदगी हमारी एक याद हो, एक सिमट जाए। और कोई है? हम ही हैं बस। हाँ सर कैसे हैं? ये जो राइड के कुछ पल होते हैं, कुछ घंटे होते हैं, कुछ मिनट्स होते हैं, ये मिनट ये जो पल होते हैं ना, ये हमारे विदाउट एनी टेंशन होते हैं, तो इसमें वो जो बातें होती हैं हमारी वो रूटीन से बिल्कुल हटके होती हैं, मतलब फुल ऑफ इमोशंस, मतलब खुशी से भरे हुए लम्हे होते हैं हमारे, ये वाले जो भी एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, मतलब इन लम्हों को मैं खुल के इंजॉय करता हूँ। मतलब जब मैं रूटीन से बहुत थक चुका होता हूँ, जैसे कि आज इस टूर को मैंने किया, मैं कहता हूँ यार निकलो प्लीज़, तो मेन जो हमारा पॉइंट था, जो हमारा काम था, वो था नाश्ता करना। तो यहाँ पे सुना था पाए और नान सुने बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे हमारा स्टे था, यहाँ में सामी भाई ज्वाइन करेंगे तो उनका वेट करेंगे, उसके बाद आने के बाद ऑर्डर करेंगे और आप लोगों को अपने साथ अपना नाश्ता इंजॉय करवाएंगे। ये हमारे सामी भाई पहुँच गए थे और इनकी तबीयत बाद में बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन इनको सलाम कि ये हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे के इंजेक्शन लगवा के हमें ज्वाइन किया इन्होंने। जी जनाब, ताज़े नान तैयार हैं हमारे, और बस सभी सवाल हमारे सालन है वो हम डलवा रहे हैं, और ये बस सालन तैयार हो गया हमारे लिए, फ्रेश पाए रेडी हमारे, क्या बात है, बहुत टेस्टी होती है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इनका यहाँ पे नाश्ता करके। लो जी हमारा आ गया नाश्ता, अब हम कर रहे हैं नाश्ता और ये मेरे भाई बना रहे हैं वीडियोस, बस मैं यहाँ पे फ़ोन रख रहा हूँ, आप लोग हमें देखते रहें और तब तक हम आराम से नाश्ता कर लें और आप लोग भी हमारे साथ नाश्ते को इंजॉय कीजिएगा। निकलते हुए आप इनकी स्माइल चेक कीजिए, ये भाई चले गए, ये अली भाई भी हमारे चले गए, ये हमारे एक दोस्त आए हुए थे वो भी चले गए, लेकिन हम सारे भूल गए कि हमारे जो रहनुमा खड़े हैं पीछे समी भाई, वो बिल बिल का पूरा कर रहे हैं, ये बिल बना रहे हैं और साथ ही रिकॉर्ड भी लिखेंगे, इतने का बिल बना ताकि एंड पे हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर करें हर बंदा अपने अपने,
स्माइल भाई चेक करें, सौंफ खा रहे हैं, क्या बात है स्माइल भाई आपकी, क्या बात है। तो ये हमारा बिल बन गया जी, प्रोफेशनल बिल था यार। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाश्ते के बाद चाय, चाय हो और बशी की ना हो नॉट पॉसिबल। हम सारे बशी की चाय पीने के लिए आ गए और उसके बाद वैसे अंदरून मियाँ वाली थोड़ी बहुत सैर आप लोगों करवाते हैं। और जो लड़का जाउला वो लेट हो गया था तो उसको ज्वाइन करने के लिए मतलब मैं वापस जा रहे थे हम लोग, तो वो हमें एट द एंड मिला। तो हमने कहा चलो आपके साथ भी कुछ पल बिता लेते हैं। कुछ लोग हमारे आवाज़ चले गए थे तो अली भाई मैं और हमारे डिसेंट बॉय हम साथ थे, तो हमने कहा चलें कुछ देर बैठ जाते हैं, गपशप मार लेते हैं, उसके बाद हमने घर के लिए निकलेंगे। तो उससे पहले मैंने थोड़ी राइड करा था अपनी वाली शहर की, इतना ही प्यारा हमारा शहर है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरे कुछ जाने वाले भी थे। सलाम वालेकुम, क्या चाल है? हाँ उतरे से ठीक है, हाँ मैं टपा मैंने मगर सलाम की थी बिना जजाकल्ला, खैर मेरे मिल जाए इंशाल्लाह। आप सो गए थे?